ये एक ड्राई वेल है, सूखा कुआ, इसको बोलते हैं बेरी साल बुर्ज। बेरी मीन्स शत्रु, साल मीन्स पनिशमेंट देना। हाँ, राजाओं के टाइम में जो राजद्रोह करता था उसको इसके अंदर थ्रो कर देते थे। ये ड्राई वेल है, वह जो भी पर्सन होता था वो इसके अंदर गिरता था, या तो वो इंजर्ड होता था, मरना उसको अंदर ही था। ओके, फिर ऊपर से साल्ट डालते थे, नमक, ताकि उसकी बॉडी गल जाए। तो ये है ड्राई वेल है, बेरी साल बुर्ज। गॉड भगवान सूर्य के नाम से, सन गेट, सूरज प्रॉल, और इसको बोलते हैं तोरण। हमारे यहाँ पे जब मैरिज होती है तो जो कारपेंटर होता है, सुथार, वो लकड़ी का तोरण लाता है, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं ना, उसको तोरण बोलते हैं। दूल्हे द्वारा इसको तलवार से या छड़ी से टच करना होता है। तो इन गेटों को बंद कर दिया जाता था, गेट बहुत मजबूत रहते थे, इनको तोड़ने के लिए एनिमल या ह्यूमन पावर का यूज़ होता था। तो इन गेटों को सेफ्टी रीजन से इस प्रकार बनाया गया कि फर्स्ट गेट से डायरेक्ट सेकंड गेट वॉच नहीं होता, सेकंड गेट से थर्ड गेट वॉच नहीं होता है, थर्ड से फोर्थ वॉच नहीं होता है, क्योंकि जो वे बनाया गया है उसके अंदर टर्न दिया गया। तो इसको ह्यूमन या एनिमल कोई भी तोड़ेगा, फर्स्ट गेट को डिस्ट्रॉय करेगा, और जब वो सेकंड गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा तो वो रन करके आएगा, भाग के आएगा, क्योंकि उसको फोर्स चाहिए। और जैसे ही वो सेकंड गेट के नज़दीक में जाएगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो उसको सेकंड गेट तोड़ने में टाइम लगेगा। यही थर्ड गेट पे भी कंडीशन लागू होती है और फोर्थ पे भी लागू होती है। गणेश प्रॉल, हिंदू कल्चर में कोई भी गुड वर्क होता है, कोई भी शुभ काम होता है, तो सबसे पहले लॉर्ड गणेशा को पूजते हैं। तो इस किले की जब स्टार्टिंग हुई 1156 में, तो सबसे पहला ये गेट बिल्ड किया गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी गणेश प्रॉल 1156 में। ये प्रॉल और दो भुर्ज बनाए गए। उसके बाद में अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग राजाओं ने इस पूरे फोर्ट को बिल्ड किया। ओके, ये एक बालकनी झरोखा देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं रण भैरी। यहाँ पे एक नगाड़ची बैठता था। राजाओं के टाइम में जो भी अनाउंसमेंट होता था, जैसा कि आपने धारावाहिक वगैरह में देखा होगा, सुनो 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 फला फला फला, ये आदेश है। अच्छा। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट वाला बैठता था, इसको बोलते थे रण भैरी। विंड प्रॉल, हवा प्रॉल, एयर गेट, क्योंकि इसका नाम हवा प्रॉल इसलिए रखा गया कि एक तो ये हाइट में और दोनों तरफ से कोई रोक टोक अवरोध नहीं है, तो यहाँ का क्लाइमेट हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ की जो एयर क्रॉसिंग है, क्योंकि अवरोध तो कुछ है नहीं और हाइट में, तो यहाँ का, यहाँ पे गर्मी में जब टेम्परेचर जाता है 55 डिग्री 55 डिग्री, तब भी यहाँ का क्लाइमेट ठंडा रहता है। तो लोग बाग इस गेट के अंदर बैठते हैं, उनको रिलीफ मिलता है गर्मी से। और हमारी इस सैंड स्टोन की एक खासियत है कि इसको अपन जितना यूज़ करेंगे ये साइन मारेगा, इसको कलर पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस बेंच को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस गेट का गर्मी में कितना यूज़ होता है। चार गेट क्रॉस करके जब अपन मेन फोर्ट के अंदर एंटर होते हैं, तो इस ओपन कोर्टयार्ड को बोलते हैं दशहरा चौक। राजस्थान में प्रेजेंट में जहाँ पे किंग है या थे, वो दो त्योहारों में, दो फेस्टिवल में पार्टिसिपेंट करते हैं, दशहरा और गणगौर। गणगौर बोलते हैं शिव की पत्नी गौरी को। होली के बाद में एक ओकेजन मनाया जाता है और दशहरा नवरात्रि के बाद में आता ही है। दशहरे के दिन जब पूजा होती है, हमारे किंग उस वाइट मार्बल की चेयर पर बैठते हैं। वो पिंजरे में चेयर दिख रही आपको, राजा के रिलेटिव, या वो राजा के रिलेटिव इन स्टेप्स पे सीढ़ियों पे बैठते हैं। सामने है चामुंडा टेंपल, यहाँ पे ओल्ड टाइम में बफेलो की बलि देते थे। रेशमा और शेरा एक ओल्ड पिक्चर है, उसके अंदर बफेलो की बलि का शॉट है यहाँ का। ओके, तो बलि देते थे, बट बलि प्रथा पे प्रेजेंट में बैन लगने के कारण अब बलि नहीं दी जाती है, मगर पूजा अर्चना आज भी होती है। अभी एक लिविंग फोर्ट है, रेजिडेंशियल पार्ट है। तो इस फोर्ट में देखने के लिए चार जगह है, फॉर पार्ट है, जो टूरिस्ट विजिट कर सकता है। बाकी तो लोगों के हाउसेज हैं, होटल, मैनी शॉप्स, मैनी रेस्टोरेंट इनसाइड इन फोर्ट। तो एक प्रॉपर्टी है ये किंग पैलेस एंड क्वीन पैलेस, प्रॉपर्टी कमाइंड है, बट पर्दा प्रथा होने के कारण दोनों अलग अलग भाग में स्टे करते थे। इसको म्यूजियम कन्वर्ट किया गया है, अंदर में तलवार, भाला, कुर्सी, बेड वगैरह वगैरह रखा गया है। इसके अंदर 100 रुपी एंट्री फी है पर हेड। मोबाइल कैमरा या कैमरा कुछ अंदर यूज़ करेंगे तो 150 रुपी एक्स्ट्रा है। सेकंड है एक 450 ईयर ओल्ड हाउस, बाग की हवेली,
उसके अंदर 50 रुपये एंट्री टिकट है, उसको भी म्यूजियम कन्वर्ट कर रखा है। थर्ड है इनसाइड इन फोर्ट, सेवन जैन टेम्पल, इस फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट। टेम्पल्स में आपकी कोई एंट्री टिकट नहीं है, बट मोबाइल कैमरा या कैमरा कुछ अंदर यूज़ करेंगे तो 50 रुपये चार्ज लगता है। विदाउट टिकट कैमरा मोबाइल अंदर नहीं जाएगा। फोर्थ है व्यू पॉइंट, फोर्थ है हाइट में, सिटी डाउन में, तो वन साइड का कैनन पॉइंट भी बोल सकते हैं, व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं। वहाँ से बहुत ही सुंदर नीचे के शहर का नज़ारा आपको दिखता है। जैसा मैंने बताया, इनसाइड इन फोर्ट मेनी होटल्स, आप बोर्ड पे सामने देख सकते हैं, होटल पैराडाइज। बैक साइड में रेजिडेंशियल पार्ट है, हाउसेज हैं। फ्रंट में शॉप कन्वर्ट कर दिया, कोई बिग प्रॉपर्टी थी तो उसको म्यूजियम कन्वर्ट कर दिया, रेस्टोरेंट कन्वर्ट कर दिया, तो पूरे फोर्ट में इसको कॉमर्शियल कर दिया है। सिमिलर आपको ऐसा ही विजिट हो। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हो, 450 ईयर्स ओल्ड हवेली है, जिसको अभी उन लोगों ने म्यूजियम में कन्वर्ट किया, तो वहाँ के उस टाइम के जो चीज़ है वो यहाँ पे अंदर है। और 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, अभी तो हम लोग नहीं देख रहे क्योंकि गाइड साथ जिसकर आगे काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए, बट यू कैन विजिट इट। अंदर में आपकी कोई एंट्री टिकट नहीं है, मोबाइल कैमरा या कैमरा कुछ लेके जाएंगे तो 50 रुपी चार्ज लगता है। पानी का बोतल, खाने पीने की कोई चीज़ मंदिर के अंदर नहीं जाएगी। अच्छा। शू बार ओपन करने पड़ेंगे, सॉक्स चलेंगे। ये मंदिर है? जैन टेम्पल। अच्छा। ओके। इस किले के अंदर टोटल 8 जैन मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें से 7 मंदिर इसी जगह पे है। हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो राजपूत है, जैन नहीं है। मगर इतनी भारी मात्रा में अंदर जैन मंदिर क्यों बनाए गए, तो जैसलमेर की पुरानी राजधानी है तनोट, यहाँ से 120 किलोमीटर, वहाँ से शिफ्ट हुई लोदरवा, यहाँ से 17 किलोमीटर। लोदरवा पे मोहम्मद गोरी ने अटैक किया, इनके मंदिरों को नुकसान पहुँचाया, तो इस जगह का राजा को पैसा दिया गया कि हमें हमारे मंदिर इस किले के भीतर बनाने दें, ताकि आप अपने किले की सुरक्षा करें तो हमारे मंदिर स्वतः सुरक्षित रहें। इस कारणवश इस किले के अंदर 8 जैन मंदिर बनाए गए, जिसमें से 7 जैन मंदिर इसी जगह पे। इन 7 मंदिरों के भीतर 6,666 सिर्फ जैन भगवान की प्रतिमाएं बनाएगी। 6 को अगर अपन 4 बार जोड़ते हैं तो होता है 24 जैन धर्म में तीर्थंकर हैं 24, पहले हैं ऋषभदेव और 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म में 2 पंथ है, 2 वे है, श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ पे सारे श्वेतांबर मंदिर है, दिगंबर मंदिर एक भी नहीं। मोस्टली हर जैन टेम्पल व्हाइट मार्बल में बिल्ड होता है, बट हमारे राजा ने 2 कंडीशन रखी कि टेम्पल तो बनाने देंगे क्योंकि पैसा मिल रहा था, तो एक कंडीशन थी कि ये मंदिर सारे इसी येलो कलर के सैंड स्टोन में बनेंगे। दूसरी कंडीशन ये थी कि मंदिर के बाहर के पिलर, जो अंदर में पत्थर के पिलर लगे हैं जिन पे ये मंदिर खड़ा है, और मेन मंदिर की बाहर की वॉल पे सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ होनी चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा संजोग जैन मंदिर में बहुत रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि जैन मंदिर में सिर्फ जैन भगवान की प्रतिमाएँ रहती है, मगर यहाँ पे सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई। ये मंदिर बनाए गए 14th से 16th century में, 14वीं से 16वीं शताब्दी में। इन 8 मंदिरों को बनने में 250 साल, 250 साल का वक्त लग गया। और जैसा मैंने बताया, सारा इंटरलॉकिंग वर्क है, कहीं पे भी चूना सीमेंट पानी गारा कुछ यूज नहीं लिया गया। अब कहीं पे रिपेयरमेंट या रिन्यूएशन हो रहा है तो चूना सीमेंट यूज हो रहा है। इसको बोलते हैं तोरण द्वार, वेलकम जोर। ओके। अब जैसलमेर में 4 टाइप का स्टोन फाउंड होता है, मोस्टली स्टोन फाउंड होता है ये, इसको बोलते हैं सैंड स्टोन। इसकी एक खासियत है, इसको जितना यूज करेंगे ये साइन मारेगा, इसको कलर पॉलिश करने की कोई जरूरत नहीं है। एक स्टोन फाउंड होता है वुड फॉसिल स्टोन, लकड़ी थी, क्लाइमेट चेंज के कारण स्टोन में कन्वर्ट हो गई, बट वो नॉट फॉर सेल है। यहाँ से 17 किलोमीटर बाड़मेर रोड पे एक स्पॉट है, आकल वुड फॉसिल पार्क, वहाँ पे कास्ट हाउसेस रखे गए हैं जो लकड़ी पत्थर में कन्वर्ट हो गई। एक स्टोन यहाँ पे फाउंड होता है लाइम स्टोन, एशिया में सबसे ज्यादा चूना पत्थर लाइम स्टोन जैसलमेर में फाउंड होता है, जिससे सीमेंट बनती है, बट हमारे यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं होने के कारण गवर्नमेंट उसको बाई ट्रेन फैक्ट्रियों तक भेज देती है।
एक स्टोन ये फाउंड होता है, इसको बोलते हैं सी फॉसिल स्टोन। सी यानी समुद्र, फॉसिल्स यानी समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष। इस स्टोन की जब कार्बन से एज निकालते हैं तो 16 से 18 करोड़ साल पहले ये एरिया एक समुद्र था, 33 सागर, जो क्लाइमेट चेंज के कारण सूख गया। जितने भी समुद्री जीव जंतु थे, वनस्पति थी, वो सैंड में दबी और स्टोन में कन्वर्ट हो गई। लोग मानते हैं ये स्टोन बैड आई से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे प्लांट किया गया। नेगेटिव थिंग को पॉजिटिव थिंग में कन्वर्ट करता है, बट ये कुछ क्वालिटी के स्टोन में काम करता है, वैसा नहीं करता है। तो ये है सी फॉसिल स्टोन। ओके, लुक हियर, सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लॉर्ड गणेशा, विष्णु, शिव, जो भी हैं। तो मंदिर के बाहर के पिलर और मेन टेम्पल की बाहर की वॉल पे सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। ये जो टेम्पल आप विजिट कर रहे हैं, ये है जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर। सामने में जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, वो देखने में लगता है जैसा कि व्हाइट मार्बल हो, मगर वो मार्बल से नहीं, हमारे यहाँ की सैंड मिल और सैंडल पाउडर से बनाई गई मूर्ति है। ये मूर्ति बहुत रेयर मूर्ति है, क्योंकि ये मूर्ति विक्रम संवत 2 की है, यानी कि 2076-77 ईयर ओल्ड प्रतिमा है। मगर ये किला 900 साल पुराना है, 866 ईयर ओल्ड है, मगर ये मूर्ति 2075-76 साल पुरानी है। तो इस मूर्ति को गुजरात के पाटन से लोदरवा लाया गया। लोदरवा पे जब अटैक हुआ तो एक अंडरग्राउंड वे के द्वारा इस मूर्ति को यहाँ लाके सेफ लाया गया, लाके यहाँ पे स्थापित किया गया। इस मूर्ति पे हर 5 या 6 साल में जैन ट्रस्ट के लोग पर्ल मोती जो होता है उसके पेस्ट का लेप करते हैं। ऊपर में आप विजिट करेंगे, देखने में लगेगा जैसे चूने या सीमेंट, चूने या लकड़ी में बनाओ, मगर ये सारा इसी सैंड स्टोन में बनाया गया। इसको बोलते हैं रंग मंडप। रंग मंडप यानी कि भगवान इंद्र की नृत्य सभा, लॉर्ड इंद्रा का डांसिंग मंच। सामने में एक स्टेच्यू है, दाढ़ी मूछ वाला दिख रहा है, वो है लॉर्ड इंद्रा। पास में सारी डांसर्स, नीचे में गांधर्व गाने बजाने वाली म्यूजिशंस। ऊपर में एक ही पत्थर में बनाया गया झूमर, इसके ऊपर वेजिटेबल कलर, क्योंकि ओल्ड टाइम में केमिकल पेंट नहीं होते थे, बेल्जियम ग्लास और गोल्ड पॉलिश का वर्क किया गया है। इस कारण ये नेट लगाई गई है ताकि पक्षी वगैरह इस कलर को डैमेज नहीं कर। ये है जैन धर्म के 3rd नंबर के तीर्थंकर संभवनाथ भगवान का मंदिर। हूबहू वो का वो रंग मंडप यहाँ पे बनाया गया है, बट इसके अंदर कलर पॉलिश नहीं है। देखने में ये लगता है जैसे कि लकड़ी का बनाया गया और लकड़ी पुरानी हो गई हो, मगर ये सारा इसी सैंड स्टोन में बनाया गया है। नीचे की मूर्ति अपन देखेंगे, ये सारी साइन मार रही है, क्योंकि इन्हें डेली पूजा के लिए धोया जाता है, साफ किया जाता है, मीन्स स्टोन यूज हो रहा है। ये पार्ट बिल्ड होने के बाद में कभी आज तक इसके ऊपर पानी नहीं लगा। अब जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहते हैं, सबकी मूर्तियां भगवान की प्रतिमाएं एक जैसी ही दिखती है, तो पता कैसे चलता है कौन 1 नंबर है कौन 2 नंबर है? तो सबके सिंबल्स रहते हैं, जैसे कि इधर में आप देखेंगे स्नेक। ओके, तो ये है 23 नंबर पार्श्वनाथ भगवान। वो बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं घर या नहीं? नहीं, इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा। ये लीज पे दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं। अच्छा। बट सेल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो लेगा कौन? लीगल अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, कौन लेगा? क्योंकि अच्छा। अंदर बहुत एक्सपेंसिव है। ओके। सेकंड डॉक्यूमेंट नहीं है तो कौन बाय करेगा? कोई नहीं। पोर्ट हाइट में है, सिटी डाउन में है, तो एक तरफ का जैसलमेर शहर का व्यू आपको विजिट होता है। सारे येलो कलर के स्टोन में बनाई गई प्रॉपर्टी है, गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। छोटा सा टाउनशिप है जैसलमेर। आप 6.5 किलोमीटर, 6 या 6.5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जाओगे ये शहर ख़त्म हो जाएगा। 80,000 से 85,000 यहाँ की टोटल आबादी है, जिसमें से मात्र 32,000 या 34,000 लोग यहाँ रहते हैं, बाकी सारे माइग्रेट हैं। यहाँ के 65% लोकल हाउसेज पे आपको लॉक विजिट होंगे।
पीले कलर के पत्थर में बनाए गए घर हैं, गोल्डन सिटी। किले के बाहर है ना? हाँ, ये सारा किले के आउटसाइड है। वो है हमारे राजा का रेजिडेंशियल पार्ट, मंदिर पैलेस। अगर आपने एक हिंदी मूवी देखा हो सरफरोश, उसके अंदर एक पार्ट दिखाते हैं मिर्ची सेठ की हवेली। तो दिस प्रॉपर्टी मिर्ची सेठ की हवेली, ये दिख रहा है आपको, छतरी छतरी छतरी, फिर टॉप में एक छतरी, एक लास्ट में और प्रॉपर्टी है जिसपे छतरियाँ दिख रही। लास्ट में देखो पहाड़ी से पहले, वो एक्चुअल में अंग्रेजों का गेस्ट हाउस हुआ करता था, जो प्रेजेंट में राजा का हेरिटेज होटल है जवाहर निवास। और अगर आपने लगान पिक्चर देखा हो तो लगान में अंग्रेजों का गेस्ट हाउस वही दिखाया गया। इन तरफ से पूरा पाकिस्तान बॉर्डर से घिरा हुआ है। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटलिटी सबसे 25 से 30 ईयर बैक चल रहे, क्योंकि नज़दीक में कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। जोधपुर यहाँ से 300 किलोमीटर, बीकानेर यहाँ से 300 किलोमीटर, यहाँ पे 2 डायरेक्ट रोडवे आती है, एक बाड़मेर से एक जोधपुर से, तीसरा कोई डायरेक्ट रोडवे नहीं है। और रेलवे स्टेशन यहाँ पे डेड एंड होता है, यहाँ से आगे ट्रेन लाइन कहीं नहीं जाती। ये हमारा सामने में रेलवे स्टेशन है, और जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना रेलवे पे, वो सारा लाइम स्टोन है जिससे सीमेंट बनती। तो यहाँ पे ऐसे पाकिस्तान की बॉर्डर ही है सबसे बड़ी, ऐसा सबसे बड़ी ना पाकिस्तान की बॉर्डर सबसे बड़ी यहाँ पे है ना, बड़ी बड़ी 496 किलोमीटर। पैलेस हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, तलवार वाला कुर्सी जो है, इसकी टॉप से सबसे बेस्ट व्यू सिटी का दिखता है।